महिंद्रा थार। थार इंडिया में लॉन्च हुई थी 2010 को। वैसे इंडियन ऑटो व्हील मार्केट के अंदर थार बहुत पहले से ही मौजूद है। अपने डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस में महिंद्रा एसयूवीज को बनाने में माहिर है। महिंद्रा की एसयूवीज एक से एक बढ़कर होती है। और जब हम इंडियन ऑटो व्हील मार्केट की तरफ देखते हैं तब हमें सबसे पहले नजर आती है एसयूवीज। महिंद्रा थार महिंद्रा की अभी तक की सबसे आइकॉनिक गाड़ी है। थार की हिस्ट्री भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाड़ी की पिछले वाली जनरेशन यानि कि जीप MM 540 इंडियन मिलिट्री में थी, जिसने एक अहम भूमिका निभाई थी। इस गाड़ी के अंदर कई सारी कैपेबिलिटीज है, जिसकी वजह से गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन इंडिया के अंदर बड़े ही तेजी में है। तो इस वीडियो में हम महिंद्रा थार के कुछ मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं। इस गाड़ी को मॉडिफाई किया है दिल्ली में, और इसको मॉडिफाई करने के लिए 2 साल लगे है। इस गाड़ी को मस्कुलर लुक देने की कोशिश की गई है। इस गाड़ी का नाम रखा है आर्चर। इस आर्चर को बनाने के लिए थार के एक्सटीरियर को कम्प्लीटली चेंज किया गया है। साथ ही गाड़ी पहले से ज्यादा बोल्डर नजर आती है। गाड़ी के रूफ लाइंस के साथ 6 इंचेस से बढ़ाई गई है। साथ ही बोनेट की हाइट 10 इंचेस से बढ़ाई गई है। फ्रंट में राउंड सर्कुलर हेडलैम्प्स और बड़ी सी आर्चर की बैजिंग नजर आती है। रूफ पर LEDs ऑक्सिलरी लैंप्स लगाई गई है। गाड़ी के नॉर्मल टायर्स को निकाल कर यहाँ पर ऑफ रोडर टायर्स को लगाया गया है। साथ ही गाड़ी के सस्पेंशन में कई सारे चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर अब नए फाइबर लिप स्प्रिंग और गैस फिल्ड स्टॉक एब्जॉर्बर लगे हैं। साथ ही इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि नया डैशबोर्ड, पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग और म्यूजिक सिस्टम में। इस गाड़ी को मॉडिफिकेशन के लिए 10 लाख इतना खर्चा आया है, यानी कि थार के प्राइजेस इतना ही खर्चा इसको मॉडिफिकेशन के लिए आया है। इस एंग्री लुकिंग थार को मॉडिफाई किया है केरला में SMG क्रिएशंस ने। गाड़ी में कॉम्प्रेसिव चेंजेस हुए हैं। गाड़ी को फ्रंट से देखा जाए तो यहाँ पर लगे हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और नए बोनेट। साथ ही थार के 7 स्लॉट ग्रिल को हटाकर यहाँ पर अब हॉरिजॉन्टल स्लॉटेड ग्रिल लगाया गया है। गाड़ी के फ्रंट फेंडर्स और डोर्स को भी कस्टमाइज किया गया है। यहाँ पर विंग मिरर और कस्टमाइज्ड रोल केज कुछ डिफरेंट सा लुक देते हैं। गाड़ी में लगे हैं मड ट्रेन टायर्स। साथ ही पूरी गाड़ी मैट ब्लैक पेंट में है। गाड़ी के पिछली तरफ भी मॉडिफिकेशंस देखने मिलते हैं, पर जितनी गाड़ी आगे से अच्छी दिखती है उतनी पीछे से नहीं दिखती। गाड़ी के लार्ज टेल लैंप्स इतने अच्छे नहीं दिखाई देते। जब कोई 4x4 वाली गाड़ी से बोर हो जाए तो 6x6 वाली गाड़ी उसको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी। गाड़ी को पंजाब में मॉडिफाई किया है SAD ऑफ रोडर्स ने। इन्होंने गाड़ी में एक्स्ट्रा एक्सेल लगाया है। रियर व्हील्स के पीछे तीसरा एक्सेल लगने की वजह से इस गाड़ी में अब 6 टायर्स लगे हैं। गाड़ी की ये टायर्स ऑल ट्रेन टायर्स है जो क्रोमियम अलॉयज है। साथ ही इसकी वजह से गाड़ी की लेंथ भी बड़ी है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं, और साथ ही सेकंड रो में अब फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलेंगी, जिसकी वजह से लेग रूम और हेड रूम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर रेड ब्लैक ड्यूल टोन में है। गाड़ी के फ्रंट में 7 स्लॉट ग्रिल को हटाकर हॉरिजॉन्टल ग्रिल्स को लगाया गया है। साथ ही थार के राउंड हेडलैम्प्स वैसे ही है, और यहाँ पर सेकंड रो को भी सेपरेट डोर्स दिए गए हैं। अब गाड़ी 4 डोर कार हो गई है। महिंद्रा थार के सेकंड जनरेशन की डिजाइन जीप रेंगलर से कई गुना मिलती है, जिसकी वजह से थार को रेंगलर के जैसे लुक देने में आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। इसको मॉडिफाई किया है दिल्ली के आजाद 4x4 ने। गाड़ी के फ्रंट में जीप के जैसे ही 7 स्लॉट ग्रिल्स है। गाड़ी के बोनेट और हेडलैम्प्स भी जीप्स के जैसे ही है। गाड़ी के बम्पर में फॉगलैम हाउसिंग में 3 स्किड प्लेट्स नजर आती है। साथ ही गाड़ी के हुड पर लगा है LED लाइट बार। साइड में इलेक्ट्रिक स्टेप्स लगी है जो ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होती है। गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्रोंकल्स लगाए गए हैं। इन्होंने गाड़ी के ऊपर नया हार्ड टॉप डाला है जो स्टील का बना है। मॉडिफायर से कहना है कि इस नए टॉप की वजह से गाड़ी के साउंड इंसुलेशन और डैम्पिंग में इंप्रूवमेंट हुई है। गाड़ी के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अब लेदर का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही केबिन में और सेकंड रूम में आर्मरेस्ट लगाया गया है। साथ ही गाड़ी में नया मैट, नया फोन ट्रे और नए कप होल्डर्स नजर आते हैं। इस गाड़ी को मॉडिफिकेशन के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। DC मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन के दुनिया में मशहूर नाम है। इस गाड़ी को मॉडिफाई किया है DC डिजाइन ने। इन्होंने गाड़ी को हमर के जैसे लुक देने की कोशिश की है। गाड़ी के अंदर और बाहर बहुत से चेंजेस हुए हैं, पर सामने से दिखने पर आपको ये गाड़ी थार के नए जनरेशन की याद दिलाती है। गाड़ी में अब नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रीडिजाइंड फ्रंट ग्रिल्स, DC बैजिंग, नए फॉग लैम्प्स, क्लियर लेंस LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन फ्रंट फेंडर्स, कस्टम फ्रंट बम्पर, इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं। अब गाड़ी को हार्ड टॉप बनाया गया है। पीछे की तरफ फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलेंगी।
साथ ही गाड़ी के इंटीरियर में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। गाड़ी के इंटीरियर को देखकर आप समझ ही नहीं पाओगे कि यह असल में कौन सी गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी अब लग्जूरियस गाड़ी हो गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर लेदर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। इसको मॉडिफिकेशन के लिए लगभग 6 लाख रुपये इतना खर्चा आया है। तो दोस्तों, यही थे वो थार के कुछ यूनिक मॉडिफिकेशंस। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी अच्छी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।